अखिलेश यादव का एक फेसबुक पोस्ट आजकल खूब वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में वे मेरठ की एक थाने का एक फोटो शेयर किए हुए हैं। फोटो में यह लिखा हुआ है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक फेसबुक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। उनके द्वारा शेयर किए गए इस पोस्ट में एक फोटो दिख रहा है जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे में यह लिखा हुआ है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। इस पोस्टर को लेकर बवाल शुरू हुआ है। इस पोस्टर को थाने के बाहर लगाया गया है जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस पोस्टर में थाना प्रभारी का नाम भी लिखा हुआ है। अखिलेश यादव द्वारा इस पोस्ट को शेयर करने के बाद लोगों ने भी खूब प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यह पोस्ट फेसबुक के साथ ट्विटर पर भी शेयर किया। अखिलेश यादव ने इस फोटो के शेयर करते हुए भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है इन 5 से 6 सालों में सत्ता पक्ष के लोगों का आना मना हुआ थाने में। यह उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का बुलंद इकबाल। अखिलेश यादव का यह पोस्टर देखते ही देखते वायरल हो गया। इस पोस्टर के वायरल होने के बाद लोगों ने खूब मजे लिए। इस पर बोलते हुए एक यूजर ने लिखा कि माने चाचा जी ने क्या बोला ये बताइए, ये सब छोड़िए, सच सामने आ ही गया। वहीं एक और यूजर ने यह भी कहा कि पॉजिटिव सोचिए, इसका मतलब समझिए कि आपकी सरकार में जो हो रहा था वो इनके लिए बंद। अभी तक कई बार लोगों द्वारा इस पोस्ट को देखा जा चुका है। जनसत्ता में छपी एक लेख के मुताबिक मेरठ के एसपी सिटी विनीत भटनागर ने इस पर बोलते हुए कहा है कि यह पोस्टर भाजपाइयों ने लगाया है। उन्होंने बताया कि थाना मेडिकल में कुछ व्यक्ति एक प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते थे और इसके अलावा वे पुलिस पर दबाव बना रहे थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से बात भी करा दी और इस बातचीत में पुलिस ने यह साफ कर दिया था कि वे इस मामले में किसी के पास से कब्जा नहीं हटा सकते। इसके बाद कुछ लोग पुलिस पर दबाव बनाने के लिए जमा हुए और धरना प्रदर्शन भी किया। उनका यह भी कहना है कि इनमें से कुछ लोग यह पोस्टर लेकर आए और इसमें राजनीतिक दल का नाम लिखते हुए इसे थाने के बाहर लगा दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।